ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। सुबह की मुखिया अपराध पर शिकंजा कसने के लिए कमर कस लिए हैं। सभी थानों को डिजिटाइजेशन के बाद देश में किसी भी व्यक्ति का प्राथमिकी देखा जा सकता है, साथ ही अपराध पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। आज 72 थाने के किया गया डिजिटाइजेशन। इस दौरान मौके पर मौजूद एनसीआरबी डायरेक्टर रामफल पवार एसएसपी के साथ बैठक भी की है तथा अपराध नियंत्रण पर काफी देर तक चर्चा भी की है। बैठक में एसएसपी उपेंद्र शर्मा, ग्रामीण एसपी समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बताते चले कि पिरबहोर थाना में डिजिटाइजेशन का कार्य शुरू की गई थी। बैठक में मौजूद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डायरेक्टर रामफल पवार ने कंप्यूटर ऑपरेट कर उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को जानकारी शेयर की। एनसीआरबी की टीम ने बिहार पुलिस के कार्य को काफी सराहना किया। संबंधित पदाधिकारी साइट से देश भर में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर की, पत्राचार से कर्मियों को मिलेगी मुक्ति। बिहार के सभी थाने सीसीटीएनएस की प्रणाली से लैस कर दिए गए हैं। बिहार में अभी सीसीटीएनएस का प्रोजेक्ट हम लोग क्रियान्वयन हो रहा है और हम लोग काफी तेजी से उसमें बढ़ रहे हैं, उसी का निरीक्षण और उसके लिए आगे का मार्गदर्शन देने के लिए एनसीआरबी की टीम आई थी। डायरेक्टर साहब का भी भ्रमण हुआ था कुछ देर पहले, वो आए थे और फिर उनकी टीम के द्वारा हम लोग काफ़ी नए टूल्स के बारे में जानकारी भी दी गई है और काफ़ी संतोषप्रद रहा है ये दौरा जो है। और हम लोग आगे बिहार में डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होगी और पुलिसिंग में इसका बहुत अच्छा फ़ायदा पब्लिक को दिखाई देगा। बिहार अभी पटना में 72 थानों में ये चालू हो गया है, टोटल 75 थाने हैं। थानों में थाने 72 में 3 ओपी है तो 72 थानों में चल रहा है, अभी उसी की प्रक्रिया चल रही है। लाभ मिलेगा? हाँ, बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, डिजिटल पुलिस जो एक कंसेप्ट है, इससे क्या है कि पुलिस का एक मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार ने काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है अपने सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट में। आईसीजीएस प्रोजेक्ट में काफ़ी काम हुआ है और अभी 894 थाने पूरे की पूरे में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार एक अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा हो जाएगा और डिजिटाइजेशन में, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में एक बहुत अच्छा काम होने की मुझे उम्मीद है और हमें काफ़ी आशा है। एनसीआरबी का पूरा सहयोग बिहार पुलिस को मिलेगा और बिहार पुलिस भी कहेगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और हम लोग साथ बैठ के जुड़ के क्या के इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।